तिहाड़ जेल में छटपटा रहे मनीष सिसोदिया की लगातार कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होती जा रही है। इसे देखने के बाद मनीष सिसोदिया को लेकर अब कहीं चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जहां वो अपनी पत्नी की सेहत को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के उन घोटालों की सच्चाई कोर्ट के सामने लाने वाले हैं, जिनके लिए सिसोदिया को पिछले 8-9 महीने से तिहाड़ जेल में सजा काटनी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जब अबीर राव रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था, तो सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि सभी आरोपियों की चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज उन्हें दिए जा चुके हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की तरफ से भी कहा गया कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वो सीरियल में नहीं, हमको उसे देखने और समझने में परेशानी हो रही है। इस पर सीबीआई ने कहा कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसी समय बताना चाहिए था, अब कोर्ट को बता रहे हैं, इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा। आपको बताते चलें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते हैं और अभी तक सिर्फ दो बार आए हैं। आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच अधिकारियों ने हमको बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह से व्यस्त थे। राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का भी निर्देश दिया था। अब कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा है और साथ ही सीबीआई से कहा कि आरोपियों के वकील को रोज 2 बजे से शाम 5 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। बता दें कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे दस्तावेजों से मिलान करने के लिए जांच अधिकारियों को अर्जी देने को कहा था। साथ ही सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक का समय दस्तावेजों की जाँच के लिए दिया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवम्बर को होने वाली है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। आपको बता दें कि जहां तिहाड़ जेल में रहकर मनीष सिसोदिया काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं अब कहा यह भी जा रहा है कि वो जल्द ही कोर्ट में केजरीवाल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।